ऑन दिस साइड निकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज हम जाने वाले हैं सताधार। सताधार के बारे में बातें हम और आगे करेंगे ऑफकोर्स, लेकिन जिस बात के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि सताधार का रास्ता ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर जंगल के बीच से जाता है। बहुत लोगों के व्लॉग में मैंने देखा है कि उनको इसी रास्ते में एनिमल्स देखने को मिलते हैं। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं कि हमको भी एनिमल देखने को मिलेंगे, बिकॉज 20-30 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं जंगल के बीच से जाने में। और इसी एक्साइटमेंट के साथ हम पहुंच चुके हैं सासनगीर। ये सासनगीर का मेन एंट्रेंस है और यहाँ से हमें परमिशन लेकर अंदर जाना है। यहाँ से सफारी के दो रूट भी है, बट वो हमारे रास्ते में नहीं आएंगे, उनका सेपरेट रूट है। यहाँ जो अभी रेलवे ट्रैक देख रहे हो ना, ये रेलवे ट्रैक है अमरेली से वेरावड़ वाली ट्रेन का, और यहाँ हमने इस ट्रेन को जाते हुए भी देखा, लोकल ट्रेन है। लेकिन एक्साइटमेंट है कि हमको कोई एनिमल देखने को मिल जाए। मुझे तो हिरण, नीलगाय और ये सांबर डियर, वो सब भी मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने को। मैं कभी कभी ट्रैवल में जब बोर हो जाती हूँ तो मैं ऐसे अपने साथ क्रॉशेट लेकर जाती हूँ। मुझे कभी कभी बाहर ज़्यादा देखने से नींद आती है, थोड़ा डिजी फील होने लगता है, तो मैं ये अपना आर्ट क्राफ्ट लेकर जाती हूँ साथ में, वो स्टार्ट कर देती हूँ। हम पहुँच गए सताधार आश्रम और ये मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये उसका मेन एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर जाना है, लेकिन ये बाहर से मुझे इतना बड़ा लग रहा है। हम जैसे जैसे अंदर गए, वहाँ पर हमको लेफ्ट साइड पर दिखी है गौशाला, ये भी मुझे काफ़ी बड़ी लग रही है। तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में बनाया गया आश्रम है। यहाँ पर ये है जगदीश भवन, आप देखो ये भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ रहने की और खाने की बड़ी अच्छी सुविधा है। जैसे हमने यहाँ वहाँ से कुछ स्टोरी सुनी तो पता चला कि ये आश्रम का मेन पर्पस ही वही है कि जो भूखा है उसको खाना खिलाना, और जो जिसका कोई नहीं उसको आश्रय देना। तो जो यहाँ पर गीगा बापा का समाधि है और उन्होंने ये आश्रम को और बढ़ाया, अभी उनकी गद्दी कोई और संभाल रहा है। जैसे मैंने बताया ना, आश्रम काफ़ी बड़ा है और ये पीछे लक्ष्मण कुंड है। तो ये आप देखो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, और इस यहाँ बहुत सारे रहने करने की सुविधा है, मंदिर है। हम जा रहे हैं लक्ष्मण कुंड में, मुझे उसका बहुत एक्साइटमेंट है। और ये आप देखो एंट्रेंस कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ से स्टेप्स के साथ अंदर जाना है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो लोकल जो है वो तो ऑफकोर्स आते होंगे और बहुत लोग विजिट करने के लिए भी आ रहे हैं। ये रहा वो लक्ष्मण कुंड, ये पीछे आप जो झाड़ियाँ देख रहे हो ना, वो पूरा जंगल है। तो ये कुंड खत्म होने के बाद, ये सामने आप स्टेप्स देख रहे हो, उसके पीछे सब जंगल है। यहाँ साइड में फॉरेस्ट वाले और पुलिस वाले सब खड़े हुए हैं सेफ्टी के लिए, किसी को भी उस झाड़ियों के अंदर नहीं जाने दे रहे। वो स्टेप्स तक आप जा सकते हो, उसके पीछे नहीं जाने दे रहे। तो इस कुंड में ना बहुत सारी मछलियाँ हैं जो आप देख सकते हो। जैसे अभी थोड़ा पानी हिल रहा है, उस वजह से नहीं दिख रहा है। ये जो पानी की आवाज़ सुन रहे हैं ना, वो इतना पीसफुल लग रहा है। ये जो मछलियाँ हैं यहाँ पर, अभी आप देखो थोड़ा सा क्लीन वाटर है, इतना भी क्लीन नहीं, पर ये कुंड है तो इतना तो बहुत अच्छा है। ये आप देखो पूरा घाट जैसा बनाया गया है। यहाँ पर लिखा है कि अंदर ये बहता हुआ पानी है तो मगर भी हो सकता है, तो नहा नहीं सकते, और सिक्योरिटी वगैरह सब बहुत अच्छे से बिठाई गई है, तो कोई नहा नहीं रहा है यहाँ। हम यहाँ पे काफ़ी देर तक बैठे रहे, हमको बहुत मज़ा आया। इतने सारे बर्ड्स हमने नोटिस करे यहाँ पे, जो देखना इतना पीसफुल था। और एक चीज़ और नोटिस करी, यहाँ पर हमने ये वाटर स्नेक देखा। आप ये देखो, ये एकदम बिल्कुल अपने आप को सनबर्न दे रहा है। और ये नीचे की जो जगह है ना, यहाँ पर बिल्कुल ना जाए, अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो तो बहुत केयर करें। यहाँ पे मछली आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी, मज़ा भी आएगा उसे देखने में। पर इसी पानी के अंदर वाटर स्नेक भी है छोटे छोटे, तो केयर करें थोड़ी। और ऐसी किसी भी अनजान जगह पर जहाँ पर बोर्ड भी लगाए गए हो कि यहाँ नहाना मना है, वहाँ नहीं नहाना चाहिए। लक्ष्मण कुंड से जैसे बाहर आएंगे ना, वहाँ पर ये बड़ा सा टेम्पल है और ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सारे लोग विजिट कर रहे थे। हम भी वहाँ पर गए और इतना पीसफुल था, बिकॉज चारों तरफ ग्रीनरी, पानी की आवाज़ आ रही है, बहुत मज़ा आया। हम लोग दोपहर को आए थे, तब इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। ये गीगा बापा का समाधि स्थान है और अभी आप देखो काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। ये लोकल है या बाहर से आया है, आई टोटली डोंट नो। एक और इंटरेस्टिंग बात थी कि यहाँ पर बैल, मतलब गुजराती में हम उसे पाड़ो कहते हैं, उसका भी टेम्पल था। रीज़न ये है कि इसे कत्ल खाने में 4 बार भेजा गया, लेकिन चारों बार खंजर टूट गया, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ।
तो लोग ये जो बैल है उसे बहुत मानते हैं और उसका टेम्पल भी यहाँ पर बनाया है उन्होंने। देखिए जंगल के बीचों बीच ये आश्रम बनाया गया है, बहुत मज़ा आया हमें यहाँ विजिट करके। अभी हम जा रहे हैं वापस जंगल का मज़ा लेने के लिए। रास्ते में इतने सारे मोर हमने नोटिस करे ना, बहुत ही मज़ा आया उनको देखने में। और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, पूरा जंगल सूखा सूखा और इतने कलरफुल मोर हमको दिख रहे हैं। बंदर भी काफ़ी सारे थे। और ये देखो रेल की पटरी पर मोर इतने मतलब स्वैग के साथ खड़ा हुआ है ना, बहुत मज़ा आया। ये हमारा वापसी का टाइम ना इवनिंग का था, तो काफ़ी एनिमल बाहर आ चुके थे बिकॉज मौसम भी ठंडा हो रखा था। और ये आप देखो ये हिरन, ये मेल हिरन है और ये बिल्कुल भी डर नहीं रहा है हमसे। और बाकी सब झुंड में एक साथ है वो भी नहीं डर रहे, ये तो इतनी क्यूरियोसिटी के साथ हमें देख रहा था। बट फेड एनिमल इज़ अ डेड एनिमल, तो हम एनिमल को कुछ भी खिला नहीं सकते, इनकी ब्यूटी को बस अडोर करना है हमें। और वो कितने ये सारे वाइल्ड एनिमल हमको इतने प्यार से देख रहे हैं ना, इतना मज़ा आया ये देखने में। आप ये देखो कितना ब्यूटिफुल लग रहा है ये हिरन, इतने ब्यूटिफुल उसके सींग है आप देखो। लेकिन अभी हम ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, अभी हमको भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो हम फटाफट यहाँ से निकले। सासनगीर में जो देवलिया पार्क जाने का रास्ता है वहाँ पर ऐसे बहुत सारे देसी ढाबा है जहाँ पर एकदम ऐसे हैंडमेड देसी खाना मिलता है, और उन्हीं में से एक है ये माँ देसी ढाबा। तो हम यहाँ पर रुके खाने के लिए, जहाँ पर आप देखो हमने बाजरे के रोटले का ऑर्डर दे दिया है, तो ये आंटी वही बना रहे हैं और अपने हाथों से बना रहे हैं। और ये ऐसे चूल्हे पे बनाते हैं, सारा ही खाना इसी तरह बनाते हैं। प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एकदम रॉ, कुछ फैंसी नहीं था। आप देखो इतना पीसफुल और सारे जंगल की आवाज़ भी आ रही थी। ये यहाँ पर हम वीकडेज में गए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, कुछ लोग थे पर एकदम जंगल वाली शांति। आप देखो अंधेरा सा, और ये पीछे भी कुछ एक दो ढाबा दिख रहा है हमको। और ये जो ये रास्ता जा रहा है ना, ये पूरा जंगल की तरफ जा रहा है। ये है माँ देसी ढाबा काठियावाड़ी थाड़ी, यहाँ पर आप जो बोलोगे ना वो आपको बना के देंगे। और यहाँ पर ना इतने क्यूट ये रैबिट्स भी थे, आप ये देखो इसे आप वहाँ पर जो रखा होता है ना ये घास, उसे खिला भी सकते हो और इनके साथ आप खेल भी सकते हो। तो फिलहाल सारा तो रैबिट के साथ खेल रही है यहाँ पे। और यहाँ एक तरफ हमारा खाना बन रहा है एकदम चूल्हे पर, और जो सब्जी वगैरह का भी हमने ऑर्डर दिया है वो भी उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया है पीछे। तो हमको बहुत मज़ा आया यहाँ पे खा के। आप ये देखो इतना बड़ा सा बाजरे का रोटला बनाया और इन पे ऐसे रख दिया, तो ये जो चूल्हे में बनाते हैं ना उसकी मिठास ही कुछ अलग होती है। तो सच में यहाँ पर खाकर हमको बहुत मज़ा आया। ये जो देवलिया पार्क वाला जंगल है उसके रास्ते के रोड पर ये ढाबे बने हुए हैं, पर आंटी ने बताया कि कोई एनिमल यहाँ पर नहीं आता है, बट शेर की आवाज़ कभी कभी सुनाई देती है, तो लोग खाते हैं तो जंगल की फील पूरी उसके साथ होती है। हम तो फिलहाल ये रैबिट के साथ वाली फील ले रहे हैं क्योंकि सारा को रैबिट बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। इनका पेट ना घास से भर चुका है लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ हमारा खाना है जिसमें लहसुन की चटनी, घी, गुड़, मिर्ची का अचार और ऑनियन। हमने जो ऑर्डर किया है वो है लहसुन या बटाका, फिर एक बैंगन की सब्जी है जिसे गुजराती में हम ओड़ो बोलते हैं, और एक है सेव टमाटा की सब्जी। तो आप अपने हिसाब से तीखा या जैसे भी आपको टेस्ट पसंद है ना आप उनको बोल सकते हो। ये सब अच्छे से हमने इन्जॉय किया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फूड था। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ना तो पक्का इधर खाना, बहुत मस्त खाना था। एंड में हमने इन्जॉय किए कड़ी खिचड़ी, और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, एकदम यम्मी थी, ये खा के तो बड़ा मज़ा आ गया। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।